Maruti Suzuki India has decided to launch newer version of the Suzuki Swift. Coming to the car, जो गाड़ी है वो kind of sporty look में आती है with the front matte black grill. उसके अलावा जो गाड़ी की headlights हैं उनके अंदर DRL LEDs आती हैं, daring lights आती हैं जो गाड़ी को मज़ीद sporty look देती हैं. The car is kind of elegant. और ये matte black kind of जो grill है front पे, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक देती है और गाड़ी को काइंड ऑफ एलिगेंट बनाती हैं. एंड कमिंग टू द टेल लाइट्स ऑफ द कार, जो गाड़ी की टेल लाइट्स हैं उसके अंदर भी एलईडीज आती हैं. कमिंग टू द व्हील्स, जो गाड़ी के व्हील्स हैं उसके अंदर 18 इंच के एल्युमिनियम एलॉयम इन डुअल टोन कलर मौजूद हैं. कमिंग टू द ओवरऑल एस्थेटिक्स एंड द बॉडी ऑफ द कार, जो गाड़ी की बॉडी और जो गाड़ी के एरोडायनामिक्स हैं वो इंतहाई स्मूथली और एलिगेंटली डिज़ाइन किए गए हैं और गाड़ी काइंड ऑफ छा जाती है लुक्स में. कमिंग टू द इंटीरियर द कार, जो गाड़ी का इंटीरियर है वो मैट ब्लैक फिनिश में है. उसके अलावा हार्ड प्लास्टिक भी इस्तेमाल किया गया है इंटीरियर में काफ़ी जगह पे. एंड जो गाड़ी का स्टीयरिंग है वो कम्प्लीटली पावर है. जो गाड़ी की ट्रांसमिशन है वो भी ऑटोमेटिक है. एंड गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी होता है. उसके अलावा गाड़ी के अंदर मोड सिलेक्शन की ऑप्शन भी मौजूद है. गाड़ी के अंदर 3 से 4 किस्म के डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं जिसके अंदर से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड कमिंग टू द ड्राइवर्स, जो गाड़ी के ड्राइवर्स डोर के अंदर एक ऑटोमेटिक ड्राइवर्स विंडो का टॉगल है. उसके अलावा 3 टॉगल्स हैं फॉर ऑल द विंडो ऑफ द कार. एंड कमिंग टू द अदर साइड ऑफ द स्टीयरिंग, वी हैव क्रूज कंट्रोल एज वेल एज द कंट्रोल फॉर द मल्टीमीडिया. एंड वी हैव सेफ्टी फीचर्स सच एज SRS एयरबैग एट्सेट्रा. एंड वी ऑल्सो हैव ABS द कार. एंड वी हैव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एज वेल एज ऑटोमेटिक पुश स्टार्ट ऑप्शन इन दिस कार. Keyless entry option is also available in this car. Coming to the infotainment system, in the infotainment system we have a TFT as well as digital climate control. Overall, the aesthetics and the interior of the car is very complete because it has each and everything that a normal looking hatchback should have. Jo gaadi ka engine hai, that is 1.2 liter K series engine, and the fuel average according to the sources or according to the test is 20.3 km per liter. That is takriban 5 lakh Indian rupees se lekar 8 lakh Indian rupees mein. So guys, this was it. Do not forget to like this video, comment below and subscribe to the channel. Aur ek aur baat bhi hai is video mein mujhe aapse kehni ke is gaadi ke hybrid model pe bhi Maruti Suzuki India is working on. So guys,